आपको जो है वो क्वेश्चन लिख दिया है और उसको सॉल्व करने लगे हैं, तो किस तरह होगा? ये आपका 3s+1 और 3s+1 दोनों साइड में सेम है डिनोमिनेटर का, तो इसको उठा के आप एक साइड में रखा कर देंगे, ये माइनस वाला एक अगर प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपने इसका ले लेना है एलसीएम, यानी जुदा फिकल दोनों सेम, तो सेम ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू है लेकिन वैसे भी वैसे हमें लगा है। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x² 5 और 8 कितने होंगे 13। 3x+1 को हमने इस साइड में डिवाइड हो रहा है, इस साइड में लाके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 4 3 12 4 1 4 और ये वैसे कितने से वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे लेंगे, इधर प्लस की है और इधर जाके माइनस भी हो जाएगी, तो 3x² - 12x - 13 - 4 - 9, ये भी वैसे ही वैसे ही, ये भी वैसे ही वैसे ही, सिर्फ ये दो आपस में माइनस हुई। अब हम जीरो को साइड में रखें या जीरो इस साइड रखें, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम पूरी वैल्यू उठा के दे रहे हैं और इक्वल टू जीरो कर दिया। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है, इसके बाद हमने वही स्टेप करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इसके साथ 3 लिखा हो, पहले 3 को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे 3 पे, ये सारा हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 3 से कैंसिल, 3 4 का 12, 3 3 का 9, अब ये मैंने यहां से लिख दी। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक साइड में और कांस्टेंट दूसरी साइड में, ये आपके सामने आ गया। नेक्स्ट हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर -2ab माइनस क्यों हमने इंप्लाई किया, क्योंकि इधर माइनस था, 2 फार्मूले का a आपके पास ये है और b आपने फाइंड करना है, b कहां से आएगा, x के साथ 4 लिखा हुआ है, 4 2 2 4 ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो b की वैल्यू हमारे पास इधर भी लगाई इधर भी यानी इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर। अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया, x -2 का स्क्वायर -3 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इन दोनों को माइनस किया 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो हम इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे तो -2 उस साइड में आके +2 हो गया, अब ये 2+1 और 2-1 लिखा हुआ है, 2+1 कितना हो जाएगा 3, 2-1 1, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। इस तरह बेटे आपकी आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट हम 1.2 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुरू करेंगे।